हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत शर्मा और मेरे साथ में जीत महर्षि। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। लेकिन आज आज का दिन एक्चुअली जैसे ही स्टार्ट सबको इन्फॉर्म सबके बहुत सैड न्यूज़ है जो हमें मिली, वो ये कि हमारे बीच इरफान खान, द फेमस वेटरन एक्टर ऑफ बॉलीवुड, वो नहीं रहे। मतलब जीत वो बहुत बढ़िया एक्टर, और इनफैक्ट जो मुझे भी पता था, और वो तो खैर जयपुर के ही थे और बॉर्न एंड रेज वो जयपुर के थे। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से फिर कोर्स किया और फिर काफ़ी स्ट्रगल किया। एक बार तो मुझे पता, जो मैं आज भी सुन रहा था कि उनके खास फ्रेंड हैं, उनमें से एक तिग्मांशु तुरिया, ये वो उन्होंने एक बार डिसाइड भी कर लिया था कि वो शायद नहीं करेंगे, लेकिन उनकी मदर, क्योंकि उनका भी कुछ लास्ट वीक ही उनका भी शायद इंतकाल हुआ था, तो वो अपनी माँ को भी मिल पाए जिस तरह की बीमारी से वो जूझ रहे थे। और तो तिग्मांशु दुलिया ने उनको रोका कि नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे और मैं कुछ आप मतलब कुछ हम एक अच्छी फिल्म बनाते हैं आपके लिए। वो हासिल जो फिल्म थी, जिस जो उनके लिए एक तरह से माइलस्टोन थी वो फिल्म, उसके बाद तो फिर उन्होंने वो प्रूफ कर दिया एंड फिर तो उन्होंने कभी पीछे मुड़के देखा ही नहीं। बड़ी बात है। तो आज हम व्यूअर्स को हमारे बताना चाहेंगे कि हम एक हमारी तरफ से एक छोटी सी ट्रिब्यूट हम मिस्टर इरफान खान को देना चाहेंगे। बिल्कुल। और तो हम उन्हीं की जो है टॉप 10 मूवीज हम लोग आज आपके सामने रखेंगे। मतलब जो मैंने देखी तो उनकी जो सबसे जो टॉप 10 मूवीज में थी, एक थी हिंदी मीडियम, जिसके अंदर वो मतलब उन्होंने राज बत्रा का कैरेक्टर किया था, जो एक बुटीक ओनर है और किस तरह से अपनी बेटी को एक प्रेस्टीजियस स्कूल में कराना जाता है, और उस कैरेक्टर को उन्होंने जो बखूबी करा था, मतलब वो वाकई काबिल तारीफ। बिल्कुल। और बहुत बढ़िया एक्टिंग करी थी। बिल्कुल रजत, बिल्कुल। इसके बाद एक्चुअली मैं ऐड करना चाहूंगा, पिकू जो फिल्म आई थी रजत, आपने भी ट्रांसपोर्ट ओनर थे, तो उसमें वो भी उन्होंने एक बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ किया था, साथ में अमिताभ बच्चन, बिल्कुल, उनके साथ स्क्रीन शेयर करी थी उन्होंने। जी थी, मतलब काफी अच्छा, बिल्कुल, और बहुत बढ़िया। मतलब आज मैं वही न्यूज़ में भी देख रहा था कि अमिताभ बच्चन जी भी कह रहे थे मेरे खास बहुत बढ़िया दोस्त और बहुत बढ़िया मतलब साथी चला गया। एक पीकू के बाद में जो मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी थी वो लगी थी लंच बॉक्स। लंच बॉक्स बहुत अच्छी फिल्म थी, मतलब वो स्टोल द हार्ट ऑफ द ऑडियंस थी वो फिल्म, क्योंकि उसमें सिंपल मूवी थी और उसमें दो अनजान लोग हैं, और दो अनजान लोग ना एक दूसरे को जानते ना पहचानते, सिर्फ खाने का टेस्ट और खाने के चक्कर में, सिर्फ एक टिफिन एक्सचेंजिंग के चक्कर में पूरी स्टोरी जो बांध के रखती है टिल द एंड, बहुत बिगिनिंग टू एंड, बहुत ही प्यारी। बिल्कुल। और उसमें जो उनका कैरेक्टर, और साथ में उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, उसमें निमरत कौर थी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी बहुत बढ़िया एक्टर है, उन्होंने भी उसमें बहुत अच्छा रोल किया था, जो उनके ऑफिस के कुलीग का रोल किया था जो उनको ज्वाइन करते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया फिल्म थी। और अगली फिल्म तो बिल्कुल आपको पता ही है कि पान सिंह तोमर मेरी, आई थिंक मैं कहना चाहूंगा मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है पान सिंह तोमर। इस लिस्ट में भी हम एक्चुअली ऐड कर रहे हैं उस मूवी को। और कैसे उसमें उन्होंने दिखाया था कि एक एथलीट जो आगे चल के डकैत, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, डकैत बनता है, और किस तरह से इसमें जो है शेर, इसकी वजह डायरेक्टर कौन थे पान सिंह तोमर के? पान सिंह तोमर के तिग्मांशु दुलिया थे, हाँ जी, हाँ, उनके उनके खास फ्रेंड। और आज मैंने न्यूज़ में भी देखा कि वो कोकिला बेन हॉस्पिटल के बाहर ही वो खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब वो बॉडी बॉडी को लेके जाए। और वो बहुत खास फ्रेंड थे, क्योंकि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही दोनों निकले हुए थे। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये फिल्म भी इसीलिए एक्चुअली खास थी, इसमें उन्होंने
इसमें एक्चुअली उन्होंने जो डकैत को पोर्ट्रे किया था वो बहुत अच्छा, बहुत पोर्ट्रे किया था, और एक्चुअली वो रियल स्टोरी पे बेस्ड थी। पान सिंह तोमर मतलब एक रियल एथलीट थे, और जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यू सरकमस्टेंसेस वो कैसे अगेंस्ट द लॉ और ये सब हो जाते हैं, बिकॉज उनकी कोई सपोर्ट नहीं मिलता। बिल्कुल, उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से करा था। मुझे तो आज तक वो एक चीज याद है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि, और वो फिल्म के बाद से मैंने ज्यादा देखा। उसमें एक पर्टिकुलर सीन था कि जिसके अंदर उनका एक न्यूज़पेपर में छापने के लिए एक न्यूज जो रिपोर्टर है वो आता है उनका इंटरव्यू लेने के लिए, और जो वो स्टार्टिंग शॉट था कि वो गुलाब मतलब आइसक्रीम में गुलाब जामुन डाल के खाते हैं, तो वो एक तरह का ऐसा सिम्बॉलिक बन गया था कि मैं जब शादियों में जाता था तो लोगों ने एक तरह से वो ट्रेंड चल गया था यार, आइसक्रीम में गुलाब जामुन डाल के खाया, यू नो, गर्म गुलाब जामुन में आइसक्रीम डाल के। हाँ, वो काफी मैंने देखा कि लोगों को एक ट्रेंड सा बन गया था, और वो उन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सीन का वो यूएसपी था कि जब वो इंटरव्यू ले रहा है उसको, तो वो खुद चेयर पे बैठे हैं और आइसक्रीम और वो खा रहे हैं, और उसको कहते हैं तू नीचे बैठ, तू हमारे सामने बहुत छोटा है, तू है कौन, बच्चा है। तो मतलब वो करेक्टर में घुस जाते थे, और इतना डीप जाना, ये तो कहना पड़ेगा। खैर, वेल, इस लिस्ट में रजत और कौन सी नेक्स्ट बताएंगे आप? उनकी मकबूल थी, जो मेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म है, जो पंकज कपूर के साथ और डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज, तब्बू जी साथ में थी उनके, और पंकज कपूर जी वो तो बहुत बढ़िया एक्टर है, और उनके साथ में उन्होंने वो बहुत बढ़िया एक मतलब डॉन के साथ में एक राइट हैंड बनके काम करा, और फिर बिल्कुल मैकबेथ पे डॉन की ये एक्चुअली मैकबेथ का अडैप्टेशन थी, राइट? हाँ, ये मैकबेथ का था अडैप्टेशन, और डॉन की जो कीप होती है उसके साथ में वो रोल करना, और तब्बू जी ने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग करी थी उसमें, और मतलब कमाल कमाल, मतलब उनको कहीं भी खड़ा करना। और फिर तो आपने देखा कि फिर तो उन्होंने हॉलीवुड भी नहीं छोड़ा, मतलब आप देखिए कि हम अमरीश पुरी जी और ये सब के बाद हॉलीवुड में भी वो आ गए, और बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। और इनफैक्ट मैं तो न्यूज में ये पढ़ रहा था रजत कि आप कह सकते हैं कि वेस्ट को अगर इंडिया का फेस अगर वो लोग जानते थे तो इरफान खान के नाम से जानते थे। यस, इरफान खान, यस, करेक्ट। ये न्यूज़ में एक्चुअली मैंने पढ़ा ये बात। एब्सोल्युटली, तो ये भी बहुत बड़ी एक बात है। इस लिस्ट में एक्चुअली मैं उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर है एंग ली, मतलब उसके साथ उनके साथ उन्होंने काम किया लाइफ ऑफ पाई के अंदर, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में ये मूवी इतना मैंने भी नहीं देखी चली, और हाँ ये चली क्योंकि ये एक्चुअली आसिफ कपाड़िया इस मूवी के डायरेक्टर थे, और उनकी अपने आप में डेब्यू फिल्म थी आसिफ कपाड़िया की, और ये इसमें एक्चुअली इरफान खान ने रोल प्ले किया था एक वॉरियर का, और किस तरह से वो वायलेंस को छोड़ देता है और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उसको छोड़ के और सीधे रास्ते पे आता है, और वो एक्चुअली एक रोल था उनका, तो बहुत अच्छा रोल था और बड़ी अच्छी एक फिल्म थी, पीरियड ड्रामा फिल्म थी ये। तो नेक्स्ट फिल्म रजत प्लीज शेयर करें। नेक्स्ट फिल्म तो मैंने बताया आपको लाइफ ऑफ पाई थी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक जो पीआई पटेल उन्होंने बिल्कुल पाई पटेल माय गॉड बहुत अच्छा रोल। और उसके बाद तो मतलब ये कह लीजिए कि फिर तो उनके पास हॉलीवुड की झड़ी लग गई थी। उसके बाद तो स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसमें हमारे ही इंडिया के मतलब आप ये कह लीजिए कि वो उन्होंने उसमें मतलब डैनी बॉयल को अवार्ड मिला, प्लस साथ में एआर रहमान साहब, उनको तो दो बैकग्राउंड बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक और बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला। गुलजार साहब को मिला बेस्ट लिरिसिक्स, और इस फिल्म को मिला पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था, जहां तक मुझे लगता है इसके अंदर, हाँ, स्लमडॉग मिलियनेयर के अंदर। फिर तो उसके बाद उनकी अगली आई थी अमेजिंग स्पाइडरमैन, तो उसमें वो तो एक साइंटिस्ट का रोल किया था, रजीत राठौर। बिल्कुल 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 रजीत राठौर का उनका रोल था, बहुत अच्छा रोल था। और बस लास्ट में इस लिस्ट में हम एक नाम लेना चाहेंगे, जुरासिक वर्ल्ड, जो आई थिंक बहुत फेमस मूवी थी हॉलीवुड की, और
उसमें उसमें एक्चुअली उन्होंने रोल प्ले किया था एक बिलेनियर का, कैरेक्टर का मसरानी, सिमोन मसरानी जो कैरेक्टर था, और वो मसरानी कॉर्पोरेशन का सीईओ होता है, सीईओ होता है, और उसी का पार्क होता है, एक्चुअली उसी का वर्ल्ड होता है जुरासिक वर्ल्ड, जिसमें डायनासोर्स को वो आते हैं और जो पब्लिक आती है और डेवलप करते हैं और उसको एक बहुत बड़ा डेवलप करते हैं एम्यूजमेंट पार्क, और उसमें टेक्नोलॉजी हर चीज का बहुत अच्छा दिखाया था उसमें, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत अच्छा और काफी बड़ा रोल था उनका, उनकी तो अच्छी थी। आपने उनकी एक फिल्म मिस कर दी होगी, उनका नाम था सलाम बॉम्बे, और वो मीरा नायर जी की फिल्म थी, मीरा नायर ने डायरेक्ट करी थी वो, दैट इज एडल्ट फिल्म बट दैट इज ऑसम। उसमें उन्होंने एक एक करेक्टर रोल किया था जिसके अंदर एक वो बच्ची की वो चिट्ठी लिखते हैं और हर चिट्ठी के हर एक पार्ट लिखने के उसके पैसे लेते हैं कि भैया मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ और तू गांव का है और तुझे पता नहीं है, मुंबई में नया नया है तो हर चीज के पैसे लिखते हैं। तो उन्होंने वो करेक्टर रोल किया था, बहुत ही बढ़िया रोल किया था सलाम बॉम्बे, तो मतलब ऐसे उन्होंने किए और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो मतलब और मुझे अभी न्यूज में भी पता चला था कि उनकी फिल्म आई थी मदारी, राइट, तो उसमें काफी जो उनके कास्टिंग क्रू के लोग थे वो बता रहे थे कि वो आगे जाके उनके प्लान थे फिल्म को डायरेक्ट करना, क्योंकि उनको काफी अच्छी नॉलेज थी, काम करते करते हो गई थी, और वो डायरेक्टर्स को भी कहते थे ये शॉट यहाँ से लो तो तुम्हारा शॉट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने भी न्यूज में आज ही मैंने न्यूज में सुना कि वो एक कोई न्यूज एंकर थे, वो बता रहे थे कि कैसे उनका उनके साथ कुछ टाइम के लिए वो इरफान खान से मिले और किस तरह से वो एक्चुअली गाइड करते थे कि ये शॉट ऐसे लेना चाहिए आपको, ये डायलॉग आपको ऐसे बोलना चाहिए, ये न्यूज आपको ऐसी बोलनी चाहिए, तो कुछ इस तरह की न्यूज थी वो शेयर कर रहे थे। तो वो भी तो एक्चुअली ये पार्ट भी उनका हमको देखने को मिलता है इन फ्यूचर जो हम लोग नहीं देख पाए। सो गाइज ये एक हमारी तरफ से छोटी सी हमने लिस्ट एक्चुअली बना के हमने सोचा कि उनको एक ट्रिब्यूट दें, तो प्लीज बताएं कि इसमें इस लिस्ट में क्या आपको लिस्ट अच्छी लगी और क्या हम इसमें और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, प्लीज हमसे शेयर करें। तो ओके रजत, इसी के साथ हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, हमने मिस कर मतलब वो चले गए यहाँ से, लेकिन और वो ही वाज थोरो जेंटलमैन, जो हमने काफी उनके बारे में पढ़ा था, वो बताते भी थे ही वाज थोरो जेंटलमैन और बिल्कुल वो एक्चुअली वेरी डाउन टू बिल्कुल डाउन टू अर्थ और बहुत नाइस पर्सन थे वो, मतलब बाय नेचर आप कह सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान थे वो। सो गाइस इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। ओके रिचर्ड, या ओके, ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, या बाय 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 गाइस, टेक केयर।